तो हेलो दोस्तों, आज हम लोग अंडा कड़ी बनाएंगे। देखिए अंडा कड़ी बना के में कैसा कैसा यूज होता है, आप देखिए। वीडियो को करते हैं स्टार्ट। तो हेलो दोस्तों, ये देखिए अंडा कड़ी बनाने के लिए सबसे पहले इसमें पानी गर्म कर लिए। पानी गर्म करने के बाद थोड़ा सा इसमें नमक डाल देंगे। थोड़ा सा इसमें नमक डालने के बाद अब सारे अंडे को डाल देंगे। सारे अंडे को अच्छे से इसमें डाल देंगे। कम फ्लेम पर धीरे 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 पकता रहेगा। तेल गर्म होने के बाद सबसे पहले थोड़ा सा हींग डाल देंगे। याद रहे फ्लेम थोड़ा कम करके काम करें। हींग डालने के बाद थोड़ा सा जीरा डाल देंगे, एक लाल मिर्च डाल देंगे और दो तेज पत्ता डाल देंगे। तेज पत्ता डालने के बाद इसको थोड़ा सा चला लेंगे हल्के आंच पे। इसको थोड़ा सा चला लेंगे और इसके तुरंत बाद ये प्याज डाल देंगे। याद रहे प्याज बिल्कुल बारीक होने चाहिए। प्याज डाल देंगे, थोड़ा सा प्याज को अच्छे से चला लेंगे। प्याज को अच्छे से चला लेंगे, मिक्स कर लेंगे। प्याज डालने के बाद इसमें थोड़ा सा अदरक लहसुन का पेस्ट भी डाल देंगे और इसको भी अच्छे से हम लोग मिला लेंगे। जब तक प्याज को लाल नहीं हो जाता, लाल होने के बाद अच्छे से ब्राउन कलर का आ जाएगा तब तक इसको हम लोग भूजते रहेंगे जब तक ब्राउन कलर नहीं आ जाता। जब तक हमारे टमाटर अच्छे से भूज रहे हैं, जब तक हमारे प्याज अच्छे से भूज रहे हैं, देखिए अच्छे से पूरा लाल हो जाएगा, तब तक हम थोड़े से मसाले रेडी कर लेते हैं। इसमें हमने 2 चम्मच धनिया पाउडर, 1 चम्मच हल्दी मसाला और थोड़ी सी काली मिर्च, जीरा थोड़ी सी डाल के आधा आधा चम्मच करके मैंने इसको मसाले रेडी कर लिए हैं। इसमें मैं थोड़ा सा लाल मिर्च पाउडर भी डाल दूंगा। इसमें मैंने थोड़ा सा लाल मिर्च पाउडर डाल दिया। उसके बाद मैं इसमें थोड़ा पानी डाल के इसको अच्छे से फूलने के लिए 2 मिनट छोड़ दूंगा। उसके बाद मैं इसको मसाले में डाल के रेडी करूंगा। जो हमने मसाले का घोल बनाया था वो इसमें अभी डाल देंगे। फ्लेम थोड़ा स्लो ही रखेंगे, अच्छे से इसको भून लेंगे और थोड़ा सा इसमें हम मीट मसाला भी डालेंगे। मीट मसाला ऑप्शनल है, आप चाहे तो नहीं भी डाल सकते हैं, डाल भी सकते हैं। हम थोड़ा डालते हैं कि टेस्ट थोड़ा अच्छा है। फिर इसको कम फ्लेम पे धीरे धीरे भूनते रहेंगे कि जब तक ये मसाले तेल ना छोड़ दे। मसाला हमारा अच्छे से 50% तक भून चुका है। इसके बाद हम इसमें थोड़ा टमाटर डालेंगे। टमाटर थोड़े छोटे छोटे कटे होने चाहिए। आप चाहें तो इसको मिक्सिंग में पीस के ग्रेवी भी टमाटर का डाल सकते हैं ठीक करके, और इसको थोड़ा सा मिक्स कर लेंगे अच्छे से। उसके बाद इसमें हम स्वाद अनुसार अपना नमक डाल लेंगे, जितना हम लोगों को ज़रूरत है अपना स्वाद अनुसार नमक डाल लिए, और इसको भी अच्छे से मिक्स कर देंगे। और जब तक अच्छे से ये मिक्स हो जाएगा तो हम थोड़ा इसमें पानी डाल देंगे हल्का। पानी हल्का डालने के बाद जब तक टमाटर गल नहीं जाता तब तक हम लोग इसको अच्छे से भूजते रहेंगे कम फ्लेम पे। इसको बीच बीच में चलाते भी रहेंगे ताकि चिपके नहीं। बीच बीच में चलाते रहेंगे तो उससे क्या होगा कि नीचे जो होगा चिपकने वाला कुछ चिपकेगा नहीं। देखिए हमारे मसाले का कलर कितना अच्छा से उभर के आ रहा है। हमारे गर्म जितने भी मसाले थे, प्याज भी अच्छे से गल गया, मसाले भी अच्छे से पक गए। इसके बाद हम लोग थोड़ा सा इसमें
कस्तूरी मेथी डाल देंगे और थोड़ा सा गरम मसाले डाल के अच्छे से इसको मिक्स कर लेंगे। हमारे अंडे अच्छे से उबल गए हैं, जिसके हमने खोल अच्छे से निकाल दिया। इसमें थोड़ा सा लाल मिर्च और थोड़ा सा हल्दी डाल के अच्छे से मिला के इसको फ्राई के लिए आगे भेजेंगे। याद रहे अंडे में थोड़ा सा होल कर ले। अंडे को हम अच्छे से घुमा घुमा के उसको लाल कर लेंगे, फिर उसको अच्छे से निकाल देंगे। जो हमने अंडे फ्राई किए थे वो हमारे ग्रेवी में डाल के इसको थोड़ा देर के लिए चलाएंगे अच्छे से। थोड़ा देर इसको इसी में छोड़ देंगे, थोड़ा देर इसको चलाएंगे। अच्छे से चलाने के बाद इसमें थोड़ा सा हम लोग पानी ऐड कर देंगे, हल्का हल्का पानी ऐड करने के बाद इसको थोड़ा सा चला के 2-3 मिनट के लिए ऐसे ही छोड़ देंगे ना। ये जो अपना थोड़ा सा पानी डाले थे अच्छे से वो भी भूंज गया है। अब आप लोगों को जितना भी पानी चाहिए उसी हिसाब से आप पानी डाल सकते हैं। थोड़ा सा थिक भी कर सकते हैं, आपको मोटा चाहिए तो आप मोटा भी डाल रख सकते हैं। तो हेलो दोस्तों, ये देखिए अपना अंडा कढ़ी बन के रेडी हो गया है। आप भी अपने घर पे बनाएं और इसको देखें।